हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम कैनरीट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस आज मैं आप सभी को नूडी डार्क ब्लैक फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। सो गाइस इसके लिए आप सभी को करना है वीडियो के एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी यार, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो गाइस वीडियो के एंड तक देखना, एंड गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। सिंपली आप सभी को पहले करना क्या है गाइज, आप सभी को पहले अपनी फोटो ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने गाइज पहले से अपनी फोटो ऐड कर रखा, तो गाइज मैंने सिंपली इसको यहाँ से सीधा ओपन कर लेता हूँ ऑल फोटोज़ में से, ठीक है। तो आप ऐड कर लेना है। सो गाइज मैंने फोटो को ओपन कर लिया, एंड गाइज आप सभी को करना क्या है गाइज, सभी स्टेप को एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, तभी हम गाइज वैसे ही सेम एडिटिंग कर पाएंगे। तो गाइज आप सभी को करना क्या है, पहले आप सभी को अपने फोटो को ओपन कर लेना, उसके बाद गाइज आपको जाना है नीचे लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइज आप सभी को करना क्या है, इसकी जो हाइलाइट्स हैं आप सभी को दिख रहा होगा, इसको पूरा -100 कर देना आपको, ठीक है। एंड गाइज आप सभी को उसके नीचे दिख रहा होगा शेडो, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है गाइज, इसको आपको प्लस में रखना है गाइज 48, ठीक है, इतना रख लेना है। एंड गाइज नीचे दिख रहा होगा आपको गाइज व्हाइट वाला ऑप्शन, आपको इसको करना है इसको भी गाइज -100 कर देना पूरा, ठीक है। एंड गाइज ब्लैक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसको ब्लैक को करना है गाइज +37 तक, ठीक है। यहाँ तक हमारी फोटो हो चुकी है। एंड गाइज आपको जाना अब नीचे वाले टूल में, आप सभी को दिख रहा होगा नीचे थर्मामीटर का आइकन ये वाला नीचे ये, ठीक है, इसमें जाना है। एंड गाइज आप सभी को जाना मिक्स टूल में, ठीक है। मिक्स टूल में जाने के बाद गाइज आप सभी को देख गाइज आप सभी को इसमें रेड कलर दिख रहा होगा गाइज, या जो टी शर्ट है गाइज वो थोड़ी रेड कलर में, तो गाइज हम उसको पहले अभी इसको करेंगे पहले गाइज रेड कलर को हम, तो पहले गाइज रेड कलर के ऊपर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन गाइज देखो हमारी टी शर्ट थोड़ी बेकार हो रही है, तो गाइज हम इसको हम मतलब इसको हम और रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड यू को भी गाइज थोड़ा छेड़ लेते हैं, ठीक है, एंड इसको बढ़ा लेते हैं, एंड गाइस सैचुरेशन को कम, एंड गाइस ल्यूमिनस को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एंड गाइस आप सभी को जाना है येलो वाला आइकन में, एंड गाइस की सैचुरेशन को बिल्कुल 100 कम कर देनी है, बिल्कुल 100 तक, ठीक है गाइस। सिंपली इस तरीके से 100 माइनस कर देनी है। एंड गाइस कुछ नहीं करना है, एंड गाइस जाना आपको सिंपली नेक्स्ट सॉरी नीचे ल्यूमिनस में, ल्यूमिनस में गाइस इसको आप करना -50 तक कर देना आपको, ठीक है, इतना कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना है कि आपको जाना है इस ग्रीन वाले कलर में, ठीक है, ग्रीन वाला कलर को सिलेक्ट कर लेना। एंड गाइस इसको भी -100 करना है इसकी सैचुरेशन को, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने करी, ठीक है, एकदम माइनस कर देना है। एंड गाइस आप सबको करना क्या, आप नीचे देखते हैं गाइस ये ल्यूमिनस को, ठीक है, इसको हम प्लस में रखते हैं गाइस, प्लस में रख लेते हैं, ठीक है, 30 तक। एंड गाइस आप सभी को करना क्या, ये ले लेना है नेक्स्ट वाला कलर, ठीक है, ये ब्लू वाला, ठीक है, इसकी सैचुरेशन को आप सभी को कम करना है हल्का सा, इसको रख लेना आपको 50-60 तक, इसको भी 100 माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि गाइस इसकी जो पैंट है गाइस वो थोड़ी ब्लू टाइप में थी, तो गाइस देखिए गाइस पैंट का कलर बदल गया है, ठीक है। एंड आप देख लेते हैं गाइस जी इसको हम सेकंड ब्लू वाले को, ठीक है, एंड इसकी भी सैचुरेशन बिल्कुल 100 कम कर देंगे हम, ठीक है। एंड देखिए गाइस हमारे में ब्लैक टोन आया गाइस थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसको भी माइनस कर देते हैं सैचुरेशन को भी। एंड आप सभी को नेक्स्ट कलर में जाना है गाइस, ठीक है, इसकी ल्यूमिनस को बिल्कुल कम कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। एंड इस गाइस नेक्स्ट वाले कलर को जैसे मेरे को लगता नहीं इसका कुछ काम होगा, फिर भी एक बार गाइस हम चेक करने के लिए गाइस ये नेक्स्ट वाला कलर भी ले देते हैं। सो गाइस देखिए हमारी टी शर्ट इसमें बेकार सी लग रही है, तो गाइस हम इस कलर को छेड़ेंगे ही नहीं गाइस, ठीक है गाइस। एक बार हम सैचुरेशन को देख लेते हैं गाइस, गाइस ये अलग ही कलर आ रहा है हमारी टी शर्ट में, तो गाइस हमें इस कलर में से कुछ नहीं करना, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको गाइस छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड ऊपर से कर लीजिए डन, ठीक है, संडा जी बैक। एंड उसके बाद आपसे करना क्या है, एंड ये सैचुरेशन वाला दिख रहा होगा गाइस सबसे लास्ट में आपको, इसको गाइस -27 तक रखना है, ठीक है, -27 तक रखना है। एंड गाइस आपसे भी कोई ऊपर दिख रहा होगा वाइब्रेशन, ठीक है, इसको आपको गाइस प्लस में रखना है 46 या माइनस में रख लेते हैं गाइस, ठीक है, 20 तक कुछ इसे माइनस में रख लेते हैं, 6 तक रख लीजिएगा भी गाइस, 6 तक रख लीजिएगा, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद आपको गाइस टेम्परेचर को देखना है गाइस, थोड़ा सा बढ़ाना 6 तक प्लस करना है, एंड गाइस टिंट को -6 तक, ठीक है। एंड जाना नीचे वाले टूल में, ठीक है, इसकी क्लियरिटी को आप सभी को इंक्रीज करना है गाइस, पता ही होगा आप क्लियरिटी से होता क्या, तो गाइस आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एंड गाइस विग्नेट को आपको गाइस माइनस रखना है 40 तक माइनस रखना है, ठीक है। एंड ये मिड पॉइंट आप सभी को दिख रहा होगा गाइस, ये आप सभी को इसको क्या करना है गाइस, आपको माइनस इसका रखना है 22 तक, ठीक है गाइस 22 तक रखना है। एंड गाइस ये फेदर है जो गाइस इसको आपको -100 रखना है, ओ सॉरी +100 रखना है बिल्कुल, ठीक है। एंड गाइस आप सभी को अब जाना नीचे, ठीक है, तो अब इसमें इसमें से हमें कुछ नहीं छेड़ना, तो गाइस अब चलते हम नीचे वाले टूल में, ठीक है।
एंड गाइस की फोटो को हमें शार्प करना है। एंड गाइस शार्प से हमारी फोटो एचडी क्वालिटी में आती है, तो गाइस हम फोटो को शार्प करेंगे। एंड गाइस कुछ ज़्यादा ही शार्प होगी तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है, इतना रख लेता 40 तक, ठीक है। एंड ये नॉइज़ रिडक्शन आप सभी को दिख ही रहा होगा गाइस, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं गाइस 29 तक, ठीक है गाइस इस तरीके से। एंड गाइस कलर नॉइज़ रिडक्शन आप सभी को दिख ही रहा होगा, उसको हम गाइस रखेंगे 32 तक, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइस आप सभी को मैं आफ्टर एंड बिफोर दिखाता हूँ एक बार गाइस, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर देख लीजिए गाइस, ये पहले ऐसी थी, ठीक है, एंड अब ऐसी हमने इसमें लाइट रूम में ऐसी एडिट करी है, ठीक है। सो गाइस अब इसमें हम थोड़ी सी और एक बार देख लेते हैं गाइस, कुछ हो जाए तो गाइस, ठीक है, कुछ थोड़ा और कलर एडजस्टिंग करते हैं। सो गाइस आप सभी को इस वाले आइकन में जाना है, एंड इसमें गाइस आप सभी को बहुत सारी फोटोज आप ही की फोटोज में गाइस अलग अलग कलर में मिलेंगी। सो गाइस हम इसमें कुछ सिलेक्ट करेंगे कोई कलर, ठीक है। सो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ गाइस, देख रहा हूँ, ठीक है, इसको कौन सा अच्छा लगेगा इसमें। सो इस तरीके से आप सभी को नीचे स्क्रॉल कर करके देखना है अपने हिसाब से, ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा जब वो कर लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए जी गाइस। एंड ये मेरे को गाइस ये थोड़ा विग्नेट 01 वाला थोड़ा अच्छा लगा, तो गाइस मैं इसको देखता हूँ गाइस, ठीक है, इसको एक बार मैं थोड़ा नीचे तक और देख लेता हूँ, क्या पता कोई और भी मिल जाए। सो गाइस ये विग्नेट 01 वाला ही गाइस मेरे को बेस्ट लग रहा है। सो गाइस आप सभी को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये विग्नेट 02 देख लेते, नहीं गाइस ये इतना खास नहीं लग रहा हमें, वही सेम पिछले वाले ले लेते हैं गाइस, ठीक है। एंड इसको हमें गाइस करना है कि इसको प्लस करना है, पकड़ लीजिए जो आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको प्लस में रखना है, एंड गाइस इसको 169 तक कर लेना है, ठीक है। एंड इसको कर लेते हैं डन, ठीक है। एंड मैं एंड अब गाइस आप सभी को मैं कलर मिल जाएगा जिसके गाइस पहले इसके फेस में गाइस थोड़ा रीटच कर लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज वाले कलर से हमने कुछ भी नहीं किया गाइस, तो इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसकी सैचुरेशन को हम करेंगे कम गाइस 40 तक, ठीक है, 22 तक। एंड गाइस ल्यूमिनस को भी गाइस 22 तक, ठीक है, इतना रख लेते हैं। एंड गाइस कर लेते हैं डन, ठीक है। एंड आ जाते हैं बैक, एंड गाइस मैं आपको वापस से एक बार आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ गाइस, कि आप सभी को मैं एक बार और दिखाता हूँ कि गाइस कैसी हो गई हमारी फोटो, हमने कैसी एडिट करी है। सो गाइस ये हमारी फोटो ऐसी थी पहले, एंड गाइस हमने इसको ऐसा रीटच किया है लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी यार, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर भी मत जाना, एंड गाइस साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एंड गाइस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, एंड कमेंट बॉक्स में बताना गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। सो गाइस मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।